हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दानिश जमील। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आर्मेचर रिएक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। क्या आर्मेचर रिएक्शन हमारा होता क्या है सिंक्रोनस मशीन में, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो आर्मेचर रिएक्शन का स्टेटमेंट हमारा कहता है, द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द रोटर फील्ड इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। जो हमारा आर्मेचर का फ्लक्स होता है वो फील्ड के फ्लक्स को इफेक्ट करता है। आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो फील्ड के फ्लक्स को इफेक्ट करता है, वह इफेक्ट कहलाता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन का स्टेटमेंट हमारा ये कहता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा आर्मेचर किसी भी मशीन में कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कैसे कॉजेज़ होते हैं उसके। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, आप हमने सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या किया है, एक सिंक्रोनस मशीन का डायग्राम बनाया, सिंपल सा डायग्राम बनाया है। उसमें यह है कि हमारा ये पार्ट हमारा क्या है, स्टेटर है, ये हमारा रोटर है। हमने सेलियन टाइप रोटर लिया है और यहाँ पर हमने लोड कनेक्ट किया है। तो जैसे ही हमने फील्ड वाइंडिंग पे हमें सप्लाई देना है, फील्ड वाइंडिंग के ऊपर एक्साइटेशन देंगे, तो हमारा जो रोटर के ऊपर रोटर के ऊपर जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होगा उसके ऊपर क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसको कि हम लोग मेन फ्लक्स भी कहते हैं या फील्ड फ्लक्स भी कहते हैं। तो यह फील्ड फ्लक्स जो होगा वो आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा, जिसके वजह से आर्मेचर के ऊपर क्या होगा, ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा और इसके आर्मेचर के टर्मिनल के अक्रॉस जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, तो आर्मेचर के टर्मिनल के ऊपर हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, जो कि हमारा आर्मेचर करंट कहलाता है। और दोस्तों, जब हमारा कंडक्टर यहाँ पर है, कंडक्टर के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर उसके ऊपर करंट फ्लो करता है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वही होगा कि आर्मेचर का जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स बनेगा, वह फ्लक्स कहलाएगा आर्मेचर फ्लक्स। जो आर्मेचर फ्लक्स हमारा होगा, यह आर्मेचर फ्लक्स जो आर्मेचर कंडक्टर आर्मेचर करंट के थ्रू जो बन रहा है, वो आर्मेचर फ्लक्स फील्ड के फ्लक्स को इफेक्ट डालेगा, फील्ड के फ्लक्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, वह इफेक्ट कहलाता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। वही इफेक्ट हमारा कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन। जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है सिंक्रोनस मशीन में, वो तीन पावर फैक्टर पे वर्क करता है। पहला हमारा यूनिटी और लैगिंग और लीडिंग के लिए करता है। तो हर एक पावर फैक्टर के लिए हमारा जो होगा आर्मेचर रिएक्शन वो डिफरेंट होगा। तो पहला जो हमारा पावर फैक्टर होगा, वो पावर फैक्टर किस पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा हमारा आर्मेचर रिएक्शन, यूनिटी पे हमारा डिपेंड करेगा, यूनिटी पावर फैक्टर। दूसरा हमारा होगा लैगिंग पावर फैक्टर। और तीसरा हमारा होगा लीडिंग पावर फैक्टर। ये तीन पावर फैक्टर पे डिफरेंट पावर फैक्टर पे हमारा आर्मेचर रिएक्शन मिलता है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या आर्मेचर रिएक्शन होता है, क्या इफेक्ट होता है, क्या फेजर डायग्राम होते हैं। लैगिंग के लिए भी डिस्कस करूँगा और लीडिंग के लिए भी मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, ये पार्ट हमारा था जो हमने समझाया आपको, ये था आर्मेचर रिएक्शन, सिंपली आर्मेचर रिएक्शन था। अब क्या हम लोगों को समझना है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। चलिए दोस्तों, समझते हैं यूनिटी पावर फैक्टर पे। हमने एक फेजर डायग्राम बनाया है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। ये फेजर डायग्राम मैंने कैसे बनाया है, कैसे कैसे हमारा आर्मेचर करंट और आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, मैं सब बताऊंगा अभी आपको। तो दोस्तों, हमने क्या किया है, बेस माना है किसको, हमने जनरेटेड ईएमएफ को, हमारा जनरेटेड ईएमएफ जो हमारा ई होगा वोल्टेज, हमने उसको क्या हमारा रेफरेंस माना है। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फील्ड फ्लक्स होता है वह उस फील्ड फ्लक्स से हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है, वो 90 डिग्री लैग करता है। तो हमारा ये क्या है, फील्ड फ्लक्स है, फाई एफ हमारा क्या है, फील्ड फ्लक्स है, और ये हमारा वोल्टेज है। तो क्या हो रहा है, ये फील्ड फ्लक्स है 90 डिग्री क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो हमारा 90 डिग्री ये लैग किया हमारा जनरेटेड ईएमएफ। उसके बाद क्या हो रहा है, जब हमारा जब ईएमएफ जनरेट हो रहा है और जब उस पर लोड कनेक्ट कर रहे थे, जब हम यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा था आर्मेचर के ऊपर और लोड को कनेक्ट कर रहे थे, तो हमारा आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा था। तो इसमें भी आर्मेचर करंट फ्लो होगा। जब आर्मेचर करंट फ्लो होगा तो वो कैसा होगा, हमारा यहाँ पर
इन द फेज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के फेज में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा कैसा यूनिट पावर फैक्टर है, यूनिटी है। यूनिटी मतलब कि हमारा पूरा रेजिस्टिविटी है, मतलब कि पूरा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है। कोई भी यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग के लिए बात नहीं हो रही है, कोई भी यहाँ पर लीडिंग में या लैगिंग में कोई वर्क नहीं होगा, सारा का सारा फेज में होगा। तो हमारा जो आर्मेचर करंट होगा, जो आर्मेचर करंट होगा क्या होगा, EMF जो हमारा इंट्रोड्यूस EMF जो हमारा है उसके फेज में होगा, जनरेटेड EMF के फेज में होगा। जब हमारा आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के ऊपर, आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के ऊपर, तो हमारा आर्मेचर फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। तब आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, जो आर्मेचर फ्लक्स जो होगा वो होगा हमारा आर्मेचर करंट के फेज में। वो क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जितना अगर हमारा जो आर्मेचर करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर फ्लक्स होता है आर्मेचर फ्लक्स। जब हम आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, जब आर्मेचर करंट को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यानी कि आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो आर्मेचर के करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, जो आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो भी आर्मेचर के करंट के फेज़ में ही होगा। आर्मेचर करंट के फेज़ में ही हमारा आर्मेचर फ्लक्स होगा। अब क्या है, अब हमने क्या करना है कि हमारा, अब क्या था, हम लोग जानते थे स्टेटमेंट के थ्रू कि जो हमारा आर्मेचर का फ्लक्स होता है वो इफ़ेक्ट करता है किसको, फील्ड के फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स क्या इफ़ेक्ट करता है, हमारा आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के वेक्टर सम से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे। जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स निकलेगा वही हमारा आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन के बाद हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, फाई आर होगा। तो हमने क्या करना है, इसको वेक्टर सम से और इसको वेक्टर सम से ऐड करना, तो हमारा ये टर्म मिलेगा। जब वेक्टर सम ऐड करेंगे तो हमारा ये टर्म मिलेगा। जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा कैसे, आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड के फ्लक्स को आप वेक्टर सम करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा। अब जब क्या हुआ कि हमारा आर्मेचर रिएक्शन के इफ़ेक्ट के वजह से हमारा क्या हुआ कि फील्ड का जो फ्लक्स था वो डिक्रीज़ हो गया, कुछ डिस्ट्रोशन हुआ फील्ड के फ्लक्स में। जब फील्ड के फ्लक्स में डिस्ट्रोशन हुआ, इन द सेंस कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो जनरेटेड EMF था उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रोशन होगा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी डिस्ट्रोशन होगा जनरेटेड EMF में, तो हमने क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फ्लक्स होता है फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है हमारा वोल्टेज। जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आया है अगर उससे 90 डिग्री लैग करके अगर हम लोग जनरेटेड EMF ड्रॉ कर दे तो हमारा क्या होगा, जनरेटेड EMF मिल जाएगा। जब जो हमारा फ्लक्स बन मिला है उस फ्लक्स से 90 डिग्री हमारा जनरेटेड EMF लैग करेगा, तो ये हमारा जनरेटेड EMF, ये हमारा फाइनल जनरेटेड EMF होगा और ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमारा ये हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो फील्ड के फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, इसलिए इसके पास जो हमारा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो फील्ड के फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स होता है। अब हमारा ये तो बात हो गया फेजर डायग्राम का, अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क का। टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू फील्ड फ्लक्स क्रॉस रिजल्टेंट फ्लक्स। ये हमारा इक्वेशन होता है टॉर्क का। टॉर्क हमारा होता है के इंटू फील्ड फ्लक्स क्रॉस रिजल्टेंट फ्लक्स। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा फील्ड फ्लक्स क्रॉस रिजल्टेंट फ्लक्स, ये फील्ड फ्लक्स और ये रिजल्टेंट फ्लक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रोटर का डायरेक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो हमारा जो टॉर्क का डायरेक्शन वो हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है, क्रॉस है हमारा फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स। जब हमारा क्रॉस होगा तो हमारा ऐसे रोटेट करेगा, ये इस तरीके से जाएगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, क्रॉस होगा तो हमारा जो रोटेशन होगा टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये था हमारा यूनिटी पावर फैक्टर के लिए आर्मेचर रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए कि लैगिंग पावर फैक्टर में हमारा क्या क्या होता है। हमने यहाँ पर भी हमने क्या किया है, सिंपली लैगिंग पावर फैक्टर के लिए भी फेजर डायग्राम बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी
स्टार्टिंग हमारा पॉइंट वही होगा कि हमने क्या करना है कि हमारा जो फील्ड फ्लक्स होगा, फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री हमारा लैग करेगा क्या जनरेटेड वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज है वो 90 डिग्री लैग करेगा। जब 90 डिग्री लैग करेगा तो हमारा यहाँ पर आर्मेचर करंट फ्लो तो होगा, लेकिन यहाँ पर कैसा लैगिंग पावर फैक्टर है, तो लैगिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर करंट जो हमारा होता है फाई एंगल से लैग करता है। हमारा क्या होता है फाई एंगल से, यहाँ पर जो हमारा एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये फाई एंगल से हमारा क्या करेगा आर्मेचर करंट वोल्टेज से लैग करता है। तो हमारा आर्मेचर करंट यहाँ पे लैग किया। उसके बाद हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर फ्लक्स, यानी कि हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो आर्मेचर करंट के फेज में ही होगा, आर्मेचर करंट के फेज में ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हमने क्या किया कि फील्ड के फ्लक्स और आर्मेचर के फ्लक्स का रिजल्टेंट हमने निकाला, तो हमारा क्या निकला फाई आर निकला। क्या निकला फाई आर रिजल्टेंट, हमने फेजर से यहाँ से फिर से वेक्टर सम किया, जब वेक्टर सम किया हमने तो यहाँ पर निकला रिजल्टेंट फ्लक्स। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग उसी तरीके से जैसे हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर के लिए था कि क्या हुआ, यहाँ पर हमारा फ्लक्स का डिस्ट्रॉशन हुआ कुछ आर्मेचर रिएक्शन के कारण, फील्ड के फ्लक्स का डिस्ट्रॉशन हुआ तभी तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स आया। रिजल्टेंट फ्लक्स जो आया जब फील्ड के फ्लक्स में डिस्ट्रॉशन हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा जनरेटेड ईएमएफ भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉशन होगा। तो अब क्या जनरेटेड ईएमएफ होगा, अब हम लोग रिजल्टेंट फ्लक्स से 90 डिग्री जो हमारा लाइन होगा, ये लाइन कहलाएगा हमारा जनरेटेड ईएमएफ, ये हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ कहलाएगा। यहाँ क्या हो गया रिजल्टेंट ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर टॉर्क की हम बात कर लें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है के फ्लक्स क्रॉस फाई आर। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, टॉर्क का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, यानी कि स्पीड का रोटर के रोटेशन का डायरेक्शन और टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है, इन द सेंस ये कि हमारा कैसा है ये जनरेटर का केस चल रहा है। कैसा केस चल रहा है, जनरेटर का केस चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है फील्ड के फ्लक्स को अपोज करता है, क्या करता है अपोज करता है। जब अपोज कर रहा है आर्मेचर फ्लक्स फील्ड के फ्लक्स तो फ्लक्स को, तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स मिलेगा। कैसा फ्लक्स मिलेगा, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होगा मिलेगा। जैसा कि हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर में देख रहे थे 90 डिग्री लैग कर रहा था हमें, तो क्या मिल रहा था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्लक्स जो है आर्मेचर का फ्लक्स जो है वो फील्ड के फ्लक्स को अपोज कर रहा है, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स मिलेगा। ये था हमारा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। लीडिंग पावर फैक्टर में भी वैसे ही चलेगा जैसे हम लोग ले रहे थे कि हमारा जो फ्लक्स है आर्मेचर का, सॉरी हमारा जो फील्ड का फ्लक्स है, सॉरी हमने यहाँ पर आई लिखा है, बाय मिस्टेक हो गया। तो हमारा जो फील्ड का फ्लक्स है, फील्ड के फ्लक्स से हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा। हमने लैग यहाँ पे किया, उसके बाद लीडिंग पावर फैक्टर है। जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो हमारा करंट अगर फ्लो करेगा तो हमारा यहाँ पर करंट फाई एंगल से लैग करेगा। तो इस फाई एंगल से हमारा आर्मेचर करंट क्या हुआ लैग किया। जब आर्मेचर करंट लैग किया तो हमारा आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो इसके डायरेक्शन में ही होगा। जब इसके डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग रिजल्टेंट फ्लक्स ऐसे निकालते हैं, आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड के फ्लक्स का वेक्टर सम जब करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है। कैसा मिलता है, रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है। रिजल्टेंट फ्लक्स जब हमें मिल गया तब हम क्या करते हैं कि जब हमारा फ्लक्स में डिस्टॉर्शन हुआ तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ में भी डिस्टॉर्शन होगा। तो जब हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स मिला तो रिजल्टेंट फ्लक्स से 90 डिग्री लैग हमारा क्या मिलेगा रिजल्टेंट ईएमएफ मिलेगा। जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा होगा, जनरेटेड वोल्टेज हमारा होगा रिजल्टेंट, वो हमें मिलेगा कब, जब हम लोग फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो फील्ड के फ्लक्स के डायरेक्शन में होता है। जैसे ये हमारा इस डायरेक्शन पे हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन पे हो रहा है तो ये भी हमारा इस डायरेक्शन पे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है सेम डायरेक्शन में होता है, ये कोई अपोजिशन फोर्स नहीं अप्लाई करता है। यहाँ पर क्या होता है कि फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर हमें कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर हमें डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर में क्या हो रहा था,
लैगिंग सॉरी 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 यहाँ पर क्या हो रहा था, डीमैग्नेटाइजेशन फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पर, जब हमारा फ्लक्स आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड के फ्लक्स से लैगिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड के फ्लक्स को अपोज कर रहा था, तो यहाँ पर हमारा कैसा डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था। और यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमारा जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो फील्ड के फ्लक्स के डायरेक्शन में है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा कैसा फ्लक्स होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होगा, कैसा होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम टॉर्क की डायरेक्शन की अगर बात करें कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर फिर भी हम अब इस बार भी हमारा टॉर्क का डायरेक्शन इसी तरीके से होगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्रॉस रिजल्टेंट फ्लक्स यानी कि फील्ड फ्लक्स क्रॉस रिजल्टेंट फ्लक्स, तो टॉर्क का डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और ये हमारा रोटर का डायरेक्शन था। तो ये भी हमारा किस तरीके का केस हो गया, एक तरीके से हमारा जनरेटर का केस हो गया, हमने यहाँ पर भी जनरेटर का केस हो गया। तो दोस्तों आज हमने समझा कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या उसका डिफरेंस होते हैं, कैसे फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहाँ पर होता है, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहाँ पर होता है, क्रॉस फ्लक्स कहाँ पर होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहाँ होता है, आज हमने ये सीखा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।